चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जामिनेशन आ गए हैं। जी हाँ, हो सकता है आप एग्जामिनेशन से एक या दो दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई मेरा फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल चार्ज अप कर दिया जाए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना 100% या 200% दे पाए। तो आज का वीडियो का पर्पज यही है, लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आप बिल्कुल चार्ज अप हो जाएंगे अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। राइट, सिंपल सी 7 टिप्स 10 मिनट के अंदर हम खत्म करने वाले हैं ताकि आपको कम समय में फुल डोज ऑफ मोटिवेशन मिल पाए। राइट, सबसे पहला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। देखिए, एग्जामिनेशन हो सकता है आपके कल ही हो या परसों हो या फिर एक पेपर हो गया हो, दूसरे पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, जितना भी आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, अच्छे हो, इतना भी सिलेबस हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मेन चीज क्या है, आपको अपने सिलेबस, अपने प्रिपरेशन के बारे में कॉन्फिडेंट रहना है। जी हां, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी अच्छा लिखने में। राइट, 50, 60, 70, 80 जितना भी आपका सिलेबस हो गया है एक्सेप्ट करिए और कहीं ना कहीं ये विजुअलाइज करिए, देखिए कि भाई वो जो मैंने करा है वही आ रहा है मेन एग्जामिनेशन में भी। बहुत जरूरी है। राइट, कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन। और जो बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया है, रिविजन मोड पे हैं, रिविजन कर रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंट होना, ये कॉन्फिडेंस रहना कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूं वही आने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा बच्चों क्लियर? तो कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन के बारे में और आई होप सो जो याद करा है सेम के सेम एज इट इज वही आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। यस, तो मेन चीज क्या है यहां पर, कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशन के बारे में, 100% मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यस, चलिए, से नो टू न्यू टॉपिक्स। अब कल ही आपका एग्जामिनेशन है या फिर एग्जामिनेशन में गैप बहुत कम है, कोई भी नए टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया है। राइट, 100% पूरा सिलेबस कर लिया, लेकिन भाई अच्छे से लर्न 50% ही है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। 70-80% ही करिए, इनफ है, लेकिन उसको इतने अच्छा कर लीजिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से आंसर लिख पाओ। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहां पर क्या है, कोई भी नया टॉपिक अवॉइड करिए अगर एक दो दिन में ही आपके एग्जामिनेशन है। आपको पूरा फोकस जो हो गया है उसको ही रिवीजन, रिवाइज करने में बिताना है। थर्ड पॉइंट, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, एक ही रिसिप फॉर सक्सेस है आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए, वो है रिवीजन, रिवीजन ऑफ ओल्ड टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उनको ही रिवीजन करना है। अब रिवीजन में एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, रिवीजन में डीप नहीं जाना है, डीप नहीं जाना है, जो हेडिंग हेडिंग्स हैं सिर्फ वो ही पढ़नी है आपको, डीप नहीं जाना है। जो मेन हेडिंग है, पॉइंट्स की जो हेडिंग है, या तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, सिंगल पेज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दैट मींस आपको इतना शॉर्ट बनाना है नोट्स को कि एक पेज में पूरा चैप्टर आ जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पूरे एक पेज में पूरा चैप्टर आ जाए चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ये बहुत ही मदद करने वाला है। क्योंकि इसकी हेल्प से विद इन वन आवर आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं, चाहे सुबह उठकर, रात को सोने से पहले, या कभी भी। एक घंटा ही तो निकालना है पूरे रिवीजन के लिए। राइट, तो मेन चीज क्या है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग, डीप नहीं जाना है, डीप जाने का टाइम नहीं है भाई। कम से कम डीप जाके पढ़ने के लिए, एक चीज पढ़ने के लिए 7-8 डेज का टाइम चाहिए होता है, वो आई थिंक सो आपके पास उतना टाइम नहीं अवेलेबल है अब। राइट, तो डीप जाना अवॉइड करिए, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के जाइए और आई गारंटी यू कि भाई जो पढ़ रहे हो वही आने वाला है और आप आराम से लिख पाओगे अगर अच्छे से रिवीजन करोगे। यस और नो, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अवॉइड मल्टीटास्किंग, भाई एक समय में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सारा फोकस वहीं पर होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई भी बुक अदर सब्जेक्ट के सामने नहीं होनी चाहिए। आप एक ही समय पे दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, ना ही अटेंशन जाएगा, ना ही उतना टाइम आपको मिल रहा है। पूरा बच्चों क्लियर? तो आप अगर SST पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं,
पूरा फोकस 2 घंटे मान के चलिए सुबह 10 से 12 आपने एक स्लॉट बना रखा है, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए, आसपास उसी सब्जेक्ट की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी भी ऐसा नहीं कॉपी बुक रिफ्रेशर, जिन 1-2 बुक से आप पढ़ रहे हैं वही आपके सामने खुली हुई या ओपन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आपके सामने नहीं होना चाहिए। तो एट द लास्ट मोमेंट प्लीज बच्चा लोगो अवॉइड मल्टीटास्किंग, अटेंशन फोकस एक ही सब्जेक्ट पे पूरा होना चाहिए एट द लास्ट मोमेंट, यस और नो? चलिए, अवॉइड ऑल नाइटर्स, पूरी रात जग के पढ़ना अवॉइड करिए एनी कॉस्ट पर, राइट? आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे इनफ है, वही इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? एनर्जाइज फील करना बहुत जरूरी है, और कहीं आपने ऑल नाइटर्स कर लिया मतलब पूरी रात जग के पढ़ लिया तो एनर्जी का लेवल बिल्कुल लो आ जाएगा और वो आपके फोकस को कंसंट्रेशन को स्पेशली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, भाई कभी कभी क्या होता है आंसर रिकॉल करने में दिक्कत आती है तो वो ऑल नाइटर्स का ही नतीजा है, आंसर रिकॉल जल्दी नहीं हो पाएंगे, आप रिलेट नहीं कर पाओगे आंसर्स को, राइट? तो पूरी रात भर जगना बच्चों लोगों प्लीज अवॉइड करिए, एटलीस्ट 12 से 3 का जो टाइम होता है रात को उसके बीच सो जाया करिए। अगर आप 4 से 5 घंटे ही सो रहे हो तो कोशिश करिए 12 से 3 के बीच में आप सोए जरूर, यस? चलिए, मेक एवरी सेकेंड काउंट, हर जो समय जा रहा है, ये एक समय गया, हर सेकंड जो जा रहा है आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, राइट? जितना टाइम, राइट? अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देख रहे हैं किसी के थ्रू देख रहे हैं तो भाई और अच्छी बात है, राइट? तो मेन चीज क्या है, अगर आप जितना दूर रहोगे डिस्ट्रक्शन से, अगर आपके लिए मोबाइल फोन डिस्ट्रक्शन है, राइट? दो तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जो भाई 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं और उनको ब्रेक चाहिए, उसी ब्रेक में सिर्फ YouTube वगैरह वीडियोस वगैरह या फिर कोई भी मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं इंटरनेट पे, राइट? और दूसरे तरह के बच्चे हैं 4 घंटे इंटरनेट चला रहे हैं या फिर YouTube देख रहे हैं और 1/2 घंटे पढ़ रहे हैं, राइट? जस्ट अपोजिट है पहले वाले बच्चों के, राइट? तो भाई मेन चीज क्या है, आपको हर सेकंड अभी यूटिलाइज करना है, कोई भी सेकंड वेस्ट मत करिए, राइट? 8 बजे से पढ़ूंगा 9 बजे से पढ़ूंगा नहीं, अभी पढ़ना है, राइट? टाइम लिमिट कोई भी सेट मत करिए, टाइम लिमिट कोई भी सेट नहीं कि मैं रात को 9 बजे से पढ़ूंगा 10 बजे से, नहीं, राइट? जितना भी वेकिंग आवर्स, पिछला वीडियो देखा था मेरा, मैंने बताया था कि भाई 24 घंटे में से 8 घंटे निकालने के बाद 16 घंटे में से 3-4 घंटे मस्ती के निकालने के बाद 12 घंटे बचते हैं, उन 12 घंटों का तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे यूटिलाइज करिए। 12 घंटों में से भी आप 4-5 घंटे वेस्ट कर देंगे इधर उधर के काम में तो भाई कहां से अच्छे नंबर आ पाएंगे, राइट? तो यू हैव टू मेक एवरी सेकेंड काउंट, हर छोटे से छोटे 15-20 मिनट जो आपको मिल रहे हैं, जो आप वीडियोस में, जो आप टेलीविजन देखने में, इधर उधर की बातें करने में, ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट दैट फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी, यस? चलिए, डोंट लेट 1 bad paper अफेक्ट ऑल सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनका 1-2 पेपर हो चुके हैं, हो सकता है तब आप वीडियो देख रहे हो, भाई अगर आपके इनकेस बिगड़ गया है, वैसे तो आई होप सो किसी के पेपर ना बिगड़े और सब 90+ स्कोर करेंगे इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में और सब मुझे डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे ताकि आप बता सके कि मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए और सबकी, जितने भी डीएम है सबको मैं स्टोरीज बना के पोस्ट करने वाला हूं आपकी बार, राइट? देखिए, 1 bad paper मतलब कोई भी पेपर अगर आपका बिगड़ जाता है, इनकेस कोई भी पेपर अच्छा नहीं जाता है या फिर भाई छूट गए क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट नहीं हुए, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि भाई उसका जो अफेक्ट है और पेपर्स पे ना पड़े तो सबसे बेस्ट है, राइट? उसको लेकर पछतावा नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया स्ट्रेटेजी में कि भाई पेपर हो गया है, अच्छा गया बुरा गया, उसके बारे में नहीं सोचना है, सोच के कुछ नहीं होगा, अगर सोचने से कुछ होता तो बहुत बढ़िया होता, आप 2-3 दिन तक उसके बारे में ही सोचिए क्या पता अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट? तो मेन चीज क्या है, अच्छा गया बुरा गया, मेक श्योर करिए कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसमें अपना 100% दे, आपकी एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए एक पेपर के बिगड़ने से, नहीं तो आपका पूरा रूटीन, पूरा जो आपका टाइम टेबल है पूरा बिगड़ जाएगा आपका, सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आप कि भाई उसका अच्छा नहीं गया अब मैं अच्छा करके क्या कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है, राइट? आपको 100% देना है एवरी इंडिविजुअल पेपर को, ईच एंड एवरी पेपर को आपको 100% देना है। 1-2 पेपर बिगड़ भी गए हैं, मान के चलिए 6 पेपर हैं 2 बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अदर रिमेनिंग पेपर में इतना अच्छा स्कोर करना है, कि भाई वो औरों का मेकअप कर ले। मेकअप क्या होता है, देखिए अगर मान के चलिए 2 पेपर बिगड़ गए हैं आपके, मान के चलिए आपके अंदाजे से लग रहा है आपको 60-70 मार्क्स ही आ रहे हैं आपके, राइट? तो आपके जो 4 पेपर बचे हुए हैं
आपको खुद को कहीं ना कहीं माइंडसेट ये लाना है आपको कि भाई उसमें तो 90 अबव मुझे स्कोर करने ही करने हैं, ताकि जो मेरे दो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं उसका मेकअप मुझे करना है, उसका बैलेंस मुझे करना है, राइट। तब जाके आपकी 85 अबव परसेंटेज फिर भी बन सकती है, अगर आप 90-95 या उससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट में, राइट। तो एक सब्जेक्ट का बिगड़ने का मलाल नहीं करना है लंबे समय तक, कोशिश करनी है कि भाई एक सब्जेक्ट बुरा भी हो गया है तो अदर सब्जेक्ट भाई फूड के आने हैं, 99-100% स्कोर करनी है आपको रिमेनिंग पेपर्स में, राइट। तो ये थे सिंपल इजी टू इंप्लीमेंट, मेक श्योर हर स्टेप आप फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उनको भी लास्ट मिनट मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना 100% दीजिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, राइट। बोर्ड आपके मजे ले रहा है, आप बोर्ड के मजे लीजिए, राइट। तो यहां पर इस वीडियो का एंड करता हूं मैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, बने रहिएगा, राइट। और मेरी तरफ से, टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।